हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज्ड रिंग बताएंगे, रिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए देखता हूँ। यानी कोई सर्कुलर चार्ज्ड रिंग होगा, उसके कारण उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए लेट अस कंसीडर a ring of radius small a having linear charge density lambda will be equal to q by 2 pi a। क्योंकि रिंग है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, q by 2 pi small a। ठीक है ना। लेट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस यक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग at which we have to find out EFI for this we cut a small dual element at A and B on the ring। चलिए आप इतना देखिए, हमने बताया कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ, ऐसे नहीं है, ऐसे है। मतलब ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, और यहां से मैंने यक्स डिस्टेंस पर इसके एक्सिस में एक मैंने क्या किया, पॉइंट पी लिया, जिस पर हमको क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करना। देखिए, लेट अस कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो ये हो जाएगा। लेट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस यक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग एट विच वी हैव टू फाइंड आउट ई एफ आई फॉर दिस वी कट अ स्मॉल एलिमेंट डीएल एलिमेंट एट ए एंड बी। यहां पर मैंने डीएल एलिमेंट कट कर लिया, ए पॉइंट है, डीएल है, चार्ज कितना होगा डी क्यू। यहां पे मैंने बी लिया, डीएल कट किया, जो चार्ज होगा हमारा कितना होगा, डी क्यू हो जाएगा। समझ में आया, तो आप ये देख लीजिए, अब इसका कोई काम नहीं। ठीक, क्योंकि इसके रहने से जगह की प्रॉब्लम होती है और लिखने में बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, हमने ये चीज तो लिखा क्यू बाई टू पाई ए, अभी काम में आएगा। ठीक, अब डीएल एलिमेंट है, यहां डीएल एलिमेंट है, तो इस डीएल एलिमेंट के कारण ओबियस है कि यहां पर जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इधर की ओर जाएगा, अलोंग द क्या एक्सिस। ठीक, ये कितना होगा, थीटा होगा, ये डीई होगा, एम राइट, होगा ना। तो अब ये भी थीटा ही होगा, इसके कंपोनेंट बनेंगे डीई कॉस थीटा, और इधर कितना बनेगा, डीई साइन थीटा। फिर से वही बात आई, अब यहां जब मैंने लिया तो
यहां भी कितना हो जाएगा, डी ई बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, वही डी ई कॉस थीटा, और इधर कितना होगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब ये बताइए, अगर मैं कहूं अभी तक तो मैंने केवल और केवल दो कट किए हैं, यहां पे एक इसका ये बना, इधर इधर इसका ये बना, तो ये कैंसिल हो गया। अगर मैं यहां कट करूंगा तो फिर आएगा, फिर क्या करते हैं कि इधर आएगा, इधर आएगा, ये भी कट करेगा, ऐसे ऐसे बताइए, ये चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ कहने का मतलब ये है, यानी ये पॉइंट है, ये हमारा सर्कुलर रिंग, मैं कैसे बताऊं, तो ये जो हमारा रिंग है ऐसे ही फोर्स जनरेट होंगे, ऐसे होगा, 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 अब राइट, और इसको ये वाला कैंसिल करेगा, इसको ये वाला कैंसिल करेगा, इसको ये वाला सब, और इसके जो एलांग है इधर कंपोनेंट सब के रहेंगे इधर, तो कितने हो जाएंगे, सब एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। भाई मैं कहूं ये हमारा रिंग कुछ इस टाइप का है, ऐसे है, मतलब ये इस टाइप का है, ठीक, ऐसे है भाई, ऐसे है, तो यहां जब बनेगा तो क्या करेगा, इधर होगा, 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 ठीक है ना, इन सब के कारण, सब के कारण ऐसे बनेगा, और एक तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐड होते जाएगा, ये इसको कट करेगा, ये इसको कट करेगा, इसको ये इसको, क्यों, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, सो इट कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी या तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बेटा दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, मैंने बताया ये रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे रखा है, मतलब ये ऊपर है, ऐसे है, ऐसे, समझ रहे ना, जितनी डिस्टेंस उधर रहेगी, जितनी डिस्टेंस इधर रहेगी, उतनी डिस्टेंस इधर भी रहेगी, एम आई राइट, तो ये फिगर शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो बताइए द ई एफ आई, द ई एफ आई एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएल एलिमेंट, ड्यू टू डीएल एलिमेंट, ठीक, चलिए तो डी ई कितना हो जाएगा भाई, चाहे इधर का लें चाहे इधर, दोनों का सेम आएगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, और यहां से जो कॉस थीटा आएगा हमारा यक्स बाय रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि पी बी पी एच एच बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक, चलिए तो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा डी क्यू बाई कितना डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं इसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी ई बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द नेट फील्ड एट पॉइंट P, इस कितना हो जाएगा, E will be equals to 0 to 2 pi A, क्यों, ये लेंथ हमारा 0 to 2 pi, DE कितना cos theta, तो E will be equals to 0 to 2 pi A, DE की वैल्यू पता है 1/4 pi epsilon naught DQ by X square plus A square, और cos की वैल्यू हमको पहले से पता है X by एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और डी क्यू बराबर मैं लिखूंगा, अच्छा अब यहां चलता हूं, ई विल बी इक्वल टू 0 to 2 pi a, डी क्यू की वैल्यू जो होती है कितना होता है, लैम्डा इंटू कितना डीएल होता है क्या, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल होता है ना, यहां रख देता हूं, लैम्डा इंटू डीएल बाई कितना हो जाएगा 4 pi epsilon naught
पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। ई विल बी इक्वल्स टू, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, छूट तो रहा है, बताया करिए आप लोग यक्स। अब चलिए कॉमन क्या क्या है इसमें ये देखता हूं। लैम्डा यक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 0 to 2 पाई ए इंटू डीएल ना, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा यक्स बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का 3/2 इंटू एल 0 to 2 पाई ए, ई विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दिस, और कितना हो जाएगा 2 पाई ए माइनस 0 हो जाएगा, या केवल 2 पाई ए मैं लिखता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ई विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई ए इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। दिस इज वॉट, यहां से देखेंगे क्या ये क्या हो जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई ए बिकॉज, बट वाई इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या है सर्कमफेरेंस, उसका लेंथ ही है, ये हमारा क्या है बताइए, क्यू है 2 पाई ए, ई विल बी इक्वल टू, दिस इज कितना, ये पूरा क्यू क्यू बाई एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप देख लीजिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द क्या चार्ज रिंग ना, इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर ये होगा। अगर इसकी कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन आपको पता है एलॉन्ग क्या ओपी, एलॉन्ग ओपी दिख रहा है, रिजल्टेंट इधर ही तो है, एलॉन्ग ओपी, अगर डायरेक्शन पूछे एलॉन्ग ओपी, यानी इसके क्या रिंग के एक्सिस के एलॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, चलिए अब मैं इसे देखना चाहूंगा क्या ये हमारा फार्मूला सही है, क्या ये हमारा फार्मूला सही है, मैं ये देखना चाहूंगा। तो चलिए, हमारे पास ये फार्मूला है, वी नो दैट E will be equal to Qx by 4pi epsilon naught x square plus a square 3/2। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इफ क्या कर दूं, a is very very less than x, अगर x के रिस्पेक्ट में a क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होने का मतलब समझते हैं, या तो इसे डिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए या तो इसे कम कर दीजिए, दूर चले जाएंगे, दूर से देखेंगे तो ये अगरेगा पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पर फील्ड था वो कितना आया था बताइए, ये विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, अगर इतना आ जाए तो समझ जाए हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक, चलिए तो अब क्या करेंगे, अब इसके रिस्पेक्ट में इसको हम क्या करेंगे, तो इसका जो स्क्वायर है और भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 इसे मैंने निगलेक्ट कर दिया, ई विल बी इक्वल टू क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी एक्स स्क्वायर, ये कटेगा एक्स क्यूब आ जाएगा, ये कट जाएगा, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स ले लीजिए चाहे आर ले लीजिए। तो ये है, दिस इज क्या, दिस इज EFI due to क्या पॉइंट चार्ज, यानी डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया जाए तो ये सर्कुलर रिंग कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज ऐसा बिहेव करेगा, राइट। तो ये स्पेशल केस था, दिस इज द स्पेशल केस, ये क्या था, स्पेशल केस था। ठीक,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और हमसे डिस्कस करिए। और एक चीज़ और, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।